प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस ने गुरुवार को इंदौर में मधुबन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गृह मंत्री बाला बच्चन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दरअसल चाचा नेहरू बच्चों को राष्ट्र का निर्माता कहते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 में हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश भर में आज के दिन पूरे हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ कांग्रेस हर स्तर पर सेलिब्रेट कर रही है। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की आज जयंती है और पूरे इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में हम लोग धूमधाम तरीके से जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और उन्होंने जो इस देश को स्थापित करने के लिए जो योगदान और सहयोग दिया है, मैं समझता हूँ कि वो तारीफ़ काबिल है। हम उसकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। देश को आज़ादी के लिए भी जो उनका योगदान बड़े लेवल का, बड़े स्तर का रहा है, देश आज़ाद होने के बाद में उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में हमारे देश का सर्वांगीण विकास सर्वहारा वर्ग का करते हुए हमारे देश को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, मैं समझता हूं कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। मंत्री जी, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिसमें दो भागों में बांटा जाएगा, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है और भाजपा इसको लेकर बहुत खुशी जाहिर कर रही है। परिसीमन को लेकर ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हम लोग चर्चा करने के बाद जो सरकार का जो निर्णय होगा, ठीक है, उस पर और जो पक्ष और फेवर में होगा, जो सभी नगर निगम, नगर निगम के उस हिसाब से हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर आगे निर्णय लेना है। अच्छा, भाजपा जिस तरह से खुशी जाहिर कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कल ही राकेश सिंह ने उसके लिए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कोर्ट भी अब भाजपा के साथ है। देखिए, भाजपा अपना काम करे, हमको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता के नेतृत्व के लिए जो सरकार के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों को जो सरकार और सत्ता जो मिली है, तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे, उन वचनों को निभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बखूबी काम कर रहे हैं। तो हमको तो उस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। भाजपा क्या चाहती और क्या कर रही है, और उनके भाजपा के कहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा तो अभी अभी जो झाबुआ का उपचुनाव हमने जो जीता है, उसमें भी भाजपा ऐसा अनुमान लगा रही थी, लेकिन भाजपा को किस तरह वहाँ मुंह की खाना पड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को अप्रिशिएट किया है और अब हम लगातार मध्य प्रदेश को एक मजबूती की ओर स्थापित करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चरण वंदन को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, हाल ही में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैच हुए, उसके बाद आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस पे जांच चल रही है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को हम अवगत करा देंगे। बाल सुधार गृह की बड़ी स्थिति खराब है, कल भी 8 बच्चे अपचारी वाला जाते हैं मगर बड़े हो रहे हैं। जो निगम के कमिश्नर है, उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा के पैर छुए। मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप पे सबने देखा है और ये सब आप लोग सभी जानते हो। मैं समझता हूँ कि आप ये जिनसे संबंधित, जिनसे रिलेवेंट है, अगर आप उन्हीं से जानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, लेकिन कैसे स्टैंड कांग्रेस लेती है, क्योंकि लगातार विपक्ष तो इस पे फिर आलोचना कर रहे हैं कि कैसे, क्या चीजें चल रही है। नहीं, अब कांग्रेस के जो वसूल और कांग्रेस के सिद्धांत और कांग्रेस की नीति और रीति जो है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और जो राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में जो बोला था, उन वचनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी ये सब जो है, आप सबको सर्वविदित है। हनी ट्रैप को लेकर आगे क्या स्थिति, उस पे और ध्यान देने की कहीं अगर जरूरत है तो हम लोग उस पे ध्यान देंगे और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस पे हम लोग आगे ध्यान देंगे। काफी जर्जर हो चुके उनका, पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई जर्जर, काफी बिल्डिंग काफी बता रहे जर्जर हो गई बिल्डिंग। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाकर और जो इससे संबंधित जो विभाग जो देखता है, इसका संचालन जो करता है, वो विभाग की और उस विभाग के मंत्री जी से जानकारी मिलाकर उस बिल्डिंग को बनवाएंगे
और उसका जीर्णोद्धार और या फिर नई बिल्डिंग की जरूरत है तो नई बिल्डिंग भी बनवाएंगे। बालक 15 उम्र के या 16-17 की उम्र में जाते हैं और 21-22 साल का हो जाते हैं, 35 साल का भी वहाँ बालक। हम उस पर ध्यान देंगे, हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर हम सुधार करेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है भैया, आदरणीय महिला मुख्यमंत्री और गुजरात की लाल जी के मार्गदर्शन में मैंने आज यहाँ पर पदार्थ कभी वरिष्ठ कांग्रेस में आज मंत्रण देना चाहता हूँ कि हमारे देश की ऐसी शख्सियत ने हमारे आज जन्म लिया था, इनकी तीन पुत्रियाँ थी जिसमें इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी और आयरन लेडी के रूप में जो हमारे देश को एक अग्रणी इतिहास के पटल पर छोटों अक्षरों में जो भारत की इबादत की थी, तो इस परिवार को मैं नमन करते हुए तय कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उनका सपना था कि भारतवर्ष सबसे अग्रणी देश में विख्यात हो और जो बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि उनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाया गया, और जो भारत के बच्चों जो नींव होती है विकास के सब प्रतिभाओं के रूप में उनको प्यार करते हुए आज ये बाल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, इसलिए मैं जिला कांग्रेस की ओर से सच सच नमन करता हूँ। जय भारत जय हो। चाचा नेहरू की प्रतिमा पर पधारे कांग्रेस के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सदाशिव यादव जी, राजेश प्रोक्सो जी।